हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं डॉक्टर गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में आपने समझा कि योग कारक ग्रह क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मारक ग्रह क्या होते हैं, मारक ग्रहों के प्रभाव क्या होते हैं, मारक ग्रहों के रत्न पहने जाने चाहिए या फिर नहीं, इस बारे में हम आज ओवरऑल चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करें कि मारक होता क्या है, मारक की डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, मारक का सीधा सा अर्थ यह है कि कुंडली में जो भी ग्रह शत्रु ग्रह हैं या फिर लग्नेश के लिए जो भी ग्रह शत्रु ग्रह हैं वो ग्रह मारक ग्रह हो गए। जी हाँ, सिंपल सी बात है, शत्रु ग्रह को मारक ग्रह कहा जाता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अब मारक ग्रहों के प्रभाव क्या होते हैं, तो मारक ग्रहों के प्रभाव सेम वैसे ही होते हैं जैसे किसी शत्रु के प्रभाव होते हैं। कुंडली के 12 भाव में से किसी भी भाव में मारक ग्रह जाते हैं तो उस भाव को मारक ग्रह खराब करते हैं। बिल्कुल, कुंडली के किसी भी भाव में यदि मारक ग्रह जाएंगे तो वो सामान्यतः उस भाव को खराब करेंगे। अब एक बहुत गलत अवधारणा यह बैठी हुई है कि कोई भी ग्रह उच्च का होगा तो बहुत अच्छे अपने फल देगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि मारक ग्रह यदि कुंडली में कहीं भी उच्च का हुआ है तो प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, उस ग्रह की दशा आपको प्रॉब्लम में ला करके रखेगी। आपकी कुंडली देख लीजिए, किसी और की भी कुंडली देख लीजिए, मारक ग्रह उच्च का होता है तो वो अपनी दशा अंतरदशा में खराब फल ही देता है। हालांकि जो पहले मैंने सीरीज बनाया है, जो एक ग्रह अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, क्या फल देंगे, ये मैंने वहां पर बताया है, वहां पर भी मैंने इसी तरह से बताया है कि कोई ग्रह उच्च का है तो अपने खराब फल देगा। और आप में से कई लोगों ने मुझसे प्रश्न भी किया है कि सर ऐसा कैसे, अभी तक तो हम ये समझते आ रहे थे कि कोई ग्रह उच्च का होगा तो अपने अच्छे फल देगा, तो आप ये कैसे कह रहे हैं। तो ये वीडियो को आप देख लीजिए, इस वीडियो में जान लीजिए कि जब मैं किसी ग्रह को यदि वो उच्च का है तो खराब कह रहा हूं तो वो ग्रह निश्चित तौर पर उस कुंडली के लिए मारक ग्रह है। तो सीधी सी बात समझ गए, मारक ग्रह जो है वो उच्च राशि स्थित भी होगा तो भी खराब फल देगा, मारक ग्रह ने अपने खराब फल ही देने हैं। अब ये बात हो गई। हालांकि एक बात ये है कि मारक ग्रह यदि स्वराशि स्थित हो जाए, यदि अच्छे भाव में स्वराशि स्थित हो जाए तो जरूर से उसने उस भाव से रिलेटेड तो अच्छे फल देना है, लेकिन जहां दृष्टि डालता है वहां पर जरूर से खराब फल ही देना है। तो स्वराशि का उसी भाव का जरूर से हम कंसिडर कर सकते हैं कि थोड़े अच्छे फल देगा, लेकिन उच्च का हुआ तो खराब फल ही देगा, अपने जहां पर दृष्टि डालेगा वहां उसने खराब फल ही देना है। अब एक चीज तो ये हो गई, अब चलते हैं हमारे मेन प्रश्न पर कि मारक ग्रह को पहचाने कैसे, आप कैसे जाने कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली के लिए मारक ग्रह है। दोस्तों, बहुत ही सीधे शब्दों में बताऊंगा वो ये कि कुंडली का तीसरा, छठवां, आठवां और बारहवां भाव, 3, 6, 8, 12 कुंडली के जो ये भाव है, 3, 6, 8, 12 ये भाव अशुभ भाव माने जाते हैं। इनका यदि स्वामी 3, 6, 8, 12 इन भावों का यदि कोई स्वामी, यदि त्रिकोण का स्वामी नहीं है, त्रिकोण का स्वामी, त्रिकोण क्या होता है मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया है, पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव, यदि कोई भी ग्रह तीसरे, छठे, आठवें या बारहवें भाव का स्वामी तो है लेकिन लग्नेश नहीं है, पंचमेश नहीं है और नवमेश नहीं है तो वो कुंडली के लिए हो जाएगा मारक ग्रह। एक बार फिर से बताऊं, कुंडली के लिए तीसरा, छठा, आठवां या बारहवें भाव का स्वामी और यदि वो लग्नेश नहीं है, पंचमेश नहीं है, नवमेश नहीं है, कहने का मतलब पहले घर का स्वामी नहीं है, पांचवें घर का स्वामी नहीं है, नवे घर का स्वामी नहीं है और तीसरे, छठे, आठवें या बारहवें घर का स्वामी है तो वो कुंडली के मारक ग्रहों में गिना जाएगा। बिल्कुल सीधा सा ये इस चीज को समझ लीजिए, यदि त्रिकोणेश नहीं है और इन खराब घरों का भाव का मालिक है तो वो उस कुंडली का मारक ग्रह हो गया। अब आप देख लीजिए आपकी कौन सी कुंडली है, जो भी लग्न की कुंडली हो आपकी, वो उठाइए और वहां पर देखिए कि तीसरे, छठे, आठवें या बारहवें घर का स्वामी ऐसा कौन है जो लग्नेश नहीं है, जो पंचमेश नहीं है और जो नवमेश भी नहीं है। यदि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश होता है और भले ही तीसरे, छठे, आठवें या बारहवें भाव का स्वामी होता है तो योग कारक ग्रह कहलाता है, लेकिन यदि तीसरे, छठे, आठवें या बारहवें भाव का स्वामी नहीं है और लग्नेश, पंचमेश
तीसरे, छठे, आठवें या बारहवें भाव का स्वामी है और लग्नेश, पंचमेश और नवमेश नहीं है तो वो कुंडली के लिए निश्चित तौर पर मारक ग्रह कहलाएगा और वो मारक ग्रह जहां पर भी जाएगा, जहां पर भी बैठेगा, वो अपने खराब फल ही देगा। मैं बार बार दोस्तों इसलिए बताता हूँ, कई आप में से कई लोग मुझे कहते हैं कि सर बहुत बार बार आप रिपीटेशन करते हैं। मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है एक बार में समझ में ना आए। कई ऐसे लोग हैं जो ब्रिलियंट लोग हैं, लेकिन कई ऐसे मुझ जैसे सामान्य लोग भी हैं यहाँ पर जो एक चीज़ को थोड़ा सा दो तीन बार सुनने पर समझते हैं। तो ज़रूर से उन लोगों के लिए मैं बार बार यहाँ पर ये बात कहता हूँ। तो दोस्तों ये बात आप समझ गए, तो कुंडली का मारक ग्रह कुंडली को खराब करेगा, कुंडली के किसी भी भाव में बैठेगा खराब करेगा, उसकी दशा अंतर्दशा होगी तो खराब ही रहेगी। एक चीज़ जान लीजिए, कोई स्थिति बनती है, जैसे मारक ग्रह विपरीत राज्यों की स्थिति में आ जाते हैं, तो यदि स्थिति बनती है तो जरूर से वो अपने अच्छे फल देंगे, स्थिति में जरूर से वो अपने अच्छे फल देंगे। अब एक चीज ये होती है कि जो चंद्रमा है या सूर्य है, इनके पास केवल एक एक राशियां होती है, तो हो सकता है कि वो तीसरे, छठे, आठवें या बारहवें भाव के स्वामी ना हो तो भी वो मारक ग्रह हो जाते हैं। तो यहां पर आप ये देखिए कि यदि ग्यारहवें घर के स्वामी है तो भी मारक ग्रह हो जाते हैं सूर्य चंद्र, यदि दूसरे घर के स्वामी है तो भी मारक ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो एस्ट्रोलॉजी है, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र, उसमें ग्यारहवें और दूसरे भाव, इन दोनों भावों को भी कोई बहुत अच्छा नहीं माना गया। तो यदि सूर्य या चंद्र इन घरों के स्वामी भी है ना तो भी मारक ग्रह हो जाते हैं, यदि सप्तम भाव के स्वामी भी है तो भी मारक ग्रह हो जाते हैं, यदि सूर्य और चंद्र है तो। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई। अच्छा, एक और गलत अवधारणा यह बैठी हुई है कि जैसे गुरु यदि लग्नेश है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम धनु लग्न की कुंडली लें, लग्न में 9 नंबर लिखा हुआ है या फिर लग्न में 12 नंबर लिखा हुआ है, मीन राशि, मीन लग्न, पाइसेस असेंडेंट, तो इस कुंडली के लिए बुध मारक ग्रह होते हैं। ऐसा नहीं है, बुध मारक ग्रह नहीं होते। हालांकि आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बुध को यहाँ पर बाधकेश कहा जाता है, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि बाधकेश एग्जैक्टली होता क्या है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि गुरु जहाँ लग्नेश है वहाँ पर बुध बाधकेश या मारक नहीं होता, और जहाँ बुध लग्नेश है वहाँ गुरु बाधकेश या मारक नहीं होता। इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वहाँ पर बुध, बुध की कुंडली में गुरु और गुरु की कुंडली में बुध अपने बहुत अच्छे फल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने समझा कि मारक ग्रह क्या होते हैं, वो कैसे अपने प्रभाव देते हैं, कैसे आप जाने कि मारक ग्रह अपने कैसे कब क्या कब प्रभाव देंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे आप पहचान सकते हैं मारक ग्रहों को। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मारक ग्रहों के रत्न पहनने चाहिए या फिर नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों मारक ग्रहों के रत्न, मारक ग्रह कहीं भी स्थित हो, चाहे स्वराशि में ही स्थित हो, मारक ग्रहों के रत्न आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे यदि मारक ग्रहों के रत्न आप पहनेंगे तो। तो मारक ग्रहों के रत्न आपको बिल्कुल भी कभी भी नहीं पहनने चाहिए। तो दोस्तों यहां पर हमने बात की ओवरऑल मारक ग्रह के बारे में, अगले वीडियो में हम समझेंगे कि सम ग्रह क्या होते हैं। एक तो योग कारक ग्रह समझ लिया, एक मारक ग्रह समझ लिया, अब सम ग्रह भी कुंडली में होते हैं जो कि न ज्यादा खराब न ज्यादा अच्छे हो, वो ग्रह भी हम समझेंगे अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो में फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।